गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे फर्स्ट ईयर में आप लेबनीज़ थ्योरम तक पढ़ चुके थे और लेबनीज़ थ्योरम तक के वीडियोस आपके अवेलेबल हैं, तो लेबनीज़ थ्योरम के बाद का जो टॉपिक था तो स्टार्ट करते हैं हम। प्रॉब्लम कैसे फेस करेंगे और किस टाइप के प्रॉब्लम आ सकते हैं लेबनीज़ थ्योरम के, तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम हमें स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेबनीज़ थ्योरम, प्रॉब्लम ऑन दिया हुआ है फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इनटू e टू द पावर ax। प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको मिलते हैं, टू टर्म्स क्या है यहाँ पे, मल्टीपल है। यहाँ पे क्या करना है, किसी एक को भी या तो इसको u मान लो, ठीक है, या इसको u मान लो, आप जिसका मान, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पे आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, फर्स्ट वाले फंक्शन को u मान लिया और इसको क्या मैंने मान लिया है, यहाँ पे v मान लिया है। अब चाहो तो इसको u मान सकते हो, इसको v मान सकते हो और ऐसे सॉल्व कर सकते हो। मैंने u इसको माना और v इसको माना और ये वाला मेथड स्टार्ट कर दिया। अब देखो कैसे पता कि लेबनीज थ्योरम स्टार्ट करना पड़ेगा, जब भी आपको ऐसे कॉम्बिनेशन वाले मिलेंगे आपको क्वेश्चन जिसमें अलग अलग फंक्शन हो, जैसे यहाँ पे क्या एक अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है x क्यूब और यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है e की पावर t है। हम तो nth डेरिवेटिव पढ़े हुए हैं, सिंगल सिंगल फंक्शन का पढ़े हुए हैं, जैसे अलजेब्रिक फंक्शन का हमने देखा है nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कैसे निकालते हैं nth डेरिवेटिव, ठीक है। लेबनीज़ थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। लेबनीज़ थ्योरम क्या होता है, किसी भी फंक्शन का यू इनटू वी फंक्शन है तो हमारे पास उसका nth डेरिवेटिव इस तरह से निकाला जाता है। पहले वाले फंक्शन का हम nth डेरिवेटिव निकालेंगे और दूसरे वाले फंक्शन h की इस रहेगा, अगेन उसका एक कम डेरिवेटिव निकालेंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे v1 का और nc1 लगा लेंगे। ध्यान देना है यहां पे जो nc1 लिखा हुआ है और nc2 लिखा हुआ है ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसका मतलब होता है यहाँ पे n, इसका मतलब होता है यहाँ पे n into n minus 1 factorial to divide by n c 3 का मतलब होता है n into n minus 1 n minus 2 divide by factorial 3, ठीक है। तो जैसे आप n c r लिख सकते हो, यहाँ पे n c r इक्वल टू कितना होता है, factorial n factorial r factorial n minus, यही फॉर्मूला अप्लाई किया था और अप्लाई करने के बाद ये सारी चीजें आई हैं यहाँ पे। तो आप अभी फाइनली ये याद रखो, अगर यहाँ पे एन सी फोर हो जाता है तो एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री और डिवाइडेड बाई कितना होते हैं फैक्टोरियल फोर एन टू वन, ऐसा आपका चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन सी वन एन सी टू एन सी थ्री, इसका मतलब वही है। देखो ध्यान से यहाँ पे एन सी वन या नाम तो एन माइनस वन यू बार एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव, जो सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है यहाँ पे एन माइनस वन यहाँ पे वन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, उतने टाइम्स उसका डेरिवेटिव। देखते हम यहाँ पे हमको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, यू एन की जरूरत पड़ेगी, यू एन माइनस वन की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे यू एन माइनस टू की जरूरत पड़ेगी और तो वन से करते जाएंगे तो हम लास्ट टाइम को यू यू वन यू टू यू थ्री सबकी जरूरत पड़ेगी। सिमिलर मैथड में यहाँ पे v, v1, v2, v3 और लास्ट में चले जाएंगे तो क्या मिलेगा, vn माइनस वन vn माइनस टू vn माइनस थ्री ऐसे करते करते और लास्ट में क्या मिलेगा vn, ठीक है। तो ये हम कंटिन्यू मैथड से करते जाएंगे और फाइनली लास्ट में करना क्या है, आपको इन सब की वैल्यू रख देना और लेबनीज़ थ्योरम बन जाएगा आपका और ये इसका जो nth डेरिवेटिव है वो फाइनली निकल आएगा। तो देखते हैं यहाँ पर जो हमने u लिया है यहाँ पे, इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कितना हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, सेकंड टाइम डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सिक्स ईयर, थर्ड टाइम डेरिवेटिव कितना हो जाएगा ओनली सिक्स एंड फोर्थ टाइम डेरिवेटिव कितना हो जाएगा यहाँ पे जीरो। आगे आते हैं यहाँ पे सेकंड वाले फंक्शन का, तो यहाँ पे सेकंड वाला फंक्शन क्या दिया हुआ है, देखो सेकंड वाला फंक्शन हमने ई टू दी पावर ए एक्स माना है, बी इक्वल टू टू दी पावर ए एक्स, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ए ई पावर ए एक्स, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ए स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स, थर्ड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा यहाँ पे ए क्यूब ई की पावर ए एस, और फोर डेरिवेटिव कितना हो जाएगा ए का पावर फोर ई की पावर ए एस, एंड ऐसे करते करते एन डेरिवेटिव कितना हो जाएगा। सिमिलर मैथड में यहाँ पे क्या है, बी फोर की वैल्यू जीरो आ गई है तो आप आगे कितना डेरिवेटिव करोगे सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो बी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे जीरो, और बी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे ए टू की पावर एन ए टू की पावर ए एस, करस्पॉन्डिंग वैल्यू सारी वैल्यू हम इसमें रखते हैं, अप्लाई करते हैं आप लेबनीज़ थ्योरम और यहाँ पे सारी वैल्यू रखते हैं। फर्स्ट टाइम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो आप ऐसे कर सकते हो यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या बोला है यहाँ पे यू, अब देखो क्या है यहाँ पे आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो
HCM का के लिए, तो आप इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यू अगर यू रहेगा तो यहाँ पे कितना लेने हैं हमें जीएम प्लस एन सी वन करके यहाँ पे यू एन माइनस वन, ठीक है, यू वन और यहाँ पे क्या होगा बी एन माइनस वन, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा आपका आंसर आ जाएगा सेम फंक्शन। आप किसको मान रहे हो यू और किसको मान रहे हो भी डिपेंड करता है इसकी वैल्यू से। तो अभी जो हम लेके चल रहे हैं वो देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे यहाँ पे यू वी एन कर सकते हो, यू वी एन एन सी वन यू वन वी एन माइनस वन एन सी टू यू टू वी एन माइनस टू, या तो आप जो बुक में दिया हुआ फॉर्मूला यू एन वी वन प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन, देखो दोनों फॉर्मूला सेम है, डिपेंड करता है कि आप इधर से स्टार्ट कर रहे हो लिखना, ठीक है, अगर आप इधर से स्टार्ट करोगे लिखना तो ये चीजें आ जाएंगी, ठीक है, अगर आप इधर से लिखना स्टार्ट करोगे यहाँ पे तो ये है यहाँ पे यू एन और वी वन, दोनों फॉर्मूला सेम है, दोनों में फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर दोनों में सेम ही आएगा, फर्क पड़ता है बस आपको कि यू और वी आप क्या ले रहे हो, तो करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएंगे बाकी आंसर है, हो सकता है ये चीज पहले आ जाए, हो सकता है ये चीज बाद में आ जाए, ऐसा होगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे, ये मैंने फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे यू फर्स्ट टाइम यू और यहाँ पे क्या इसके बाद क्या दिया है वी, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करने का बस यहाँ पे कुछ ये मोटिव का यहाँ पे कि यहाँ पे मिनिमम तीन डे यू वन यू टू यू थ्री तक जाना पड़ेगा, बाकी सब तो जीरो है, ठीक है, तो हम यही वाला फॉर्मूला से यूज करते हैं ताकि हमको यू यू वन यू टू और यू थ्री तक जाना पड़े और ये ऊपर वाले कितने हो गया जीरो हो गया, और इसको हमने वी वन वी टू वी थ्री वी फोर तक ले गया यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी एन की जरूरत पड़ेगी तो हमें ये यूज कर लेंगे। आगे आते हैं, ये क्या दिया हुआ यहाँ पे यू है और यहाँ पे क्या है यू के बाद क्या था इसका एन टाइम डेरिवेटिव वी का एन टाइम डेरिवेटिव एन सी वन, फिर यहाँ पे क्या था यू वन और इसका एन माइनस वन टाइम का डेरिवेटिव अगेन ये कितना है एन सी टू, उसके बाद क्या है यहाँ पे तीसरी बार यहाँ पे क्या था फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है यहाँ पे दूसरी बार डेरिवेटिव और यहाँ पे एम माइनस टू टाइम डेरिवेटिव ए टू द पावर एम माइनस टू ई टू द पावर ए एक्स प्लस एन सी थ्री यहाँ पे आगे नेक्स्ट फोर्थ टाइम थर्ड डेरिवेटिव है यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव एंड थर्ड डेरिवेटिव अगेन फोर्थ डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे जीरो आ जा रहा है इसलिए हम यहाँ पे आगे नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव तो आ गया यहाँ पे सिक्स आ गया और यहाँ पे एन माइनस थ्री आ गया। अब सब में देखो यहाँ पे ए टू दी पावर ए एक्स सब में है, ए टू दी पावर ए एक्स कॉमन ले लिया, ए टू दी पावर एन सब में है और यहाँ पे ए टू दी पावर एन, तो इसको हम सेपरेट ऐसे लिख सकते हैं, अगर ए टू दी पावर एन माइनस टू दिया हुआ इसको हम क्या लिख सकते हैं ए टू दी पावर एन इंटू ए टू दी पावर माइनस टू, क्योंकि सेम इसका पावर एड हो जाए, तो यहाँ पे इसको सेपरेट कर लिया और ए टू दी पावर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इस तरह से हमारे पास कॉमन आ गया। ए टू पावर एन ए टू पावर ए एक्स ब्रैकेट हमने ले लिया कॉमन ले लिया और एक्स क्यूब यहाँ पे मिल गया थ्री एन, अब जैसे मैंने बताया यहाँ पे एन सी वन की वैल्यू यन होती है एन सी टू की वैल्यू एन माइनस वन डिवाइड बाई फैक्टोरियल टू एन सी थ्री की वैल्यू एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल थ्री और एन सी फोर की वैल्यू एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री अपन फैक्टोरियल फोर, ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया ये सारी चीजें, और फाइनली क्या किया जो भी चीज आया है हमने इसको क्या कर दिया, ऐसे ही क्वेश्चन करना है आपको लेकिन थोड़ा के बेस पे आपको यू वन यू टू यू थ्री यू फोर ऐसे निकालना रहेगा चार टर्म, चार के बाद आपको सीरीज मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो सिमिलर करना मैं इसी बेस पे और भी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये वीडियो पॉज करो और सारी वीडियो लिखो। आगे आते हैं लेवी थ्योरम के बेस पे किस टाइप के प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो जो सेकेंड प्रॉब्लम है आपका गिवन दैट if y equal to x to the power n minus 1 and log x into में है यहाँ पे then prove that आपको क्या करना है कि y n की वैल्यू y n equal to क्या हो जाएगा यहाँ पे n minus 1 factorial divided by x, ध्यान देना यहाँ पे y n चाहिए, ठीक है, यहाँ पे y n चाहिए, y n equal to factorial n minus 1 upon x चाहिए, तो ध्यान से देखते हैं यहाँ पे देखो क्या है log x का हम डेरिवेटिव अगर करते रहते हैं ठीक है ये अगर log x करेंगे तो बार बार रिपीटेड आएगा, ठीक है, log x करेंगे ये उनके भी वाला देखो अगर एक डेरिवेटिव सिंपल अभी करते हैं सपोज y n इक्वल टू कितना लेना यहाँ पे x की पावर n माइनस वन, इसको हमने बार किया और इसका डेरिवेटिव किया वन अपॉन x,
अगेन लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एक्स को बाहर लिया और एक्स पावर इसका किया तो अगेन सिंपल में हमें जब हम करेंगे तो फिर ये लॉग एक्स का टर्म्स बार बार आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्स पावर या माइनस टू है यहाँ पे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, एक्स पावर या माइनस, यहाँ पे वन बाई एक्स है और इसको भी हम इसी तरह लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस वन करके वन बाई एक्स कर सकते हैं, ठीक है। चीज वही है यहाँ पे, देखो वन बाई एक्स वन बाई एक्स दोनों में आप चाहे तो रहते हैं, आप यहाँ पे कॉमन लिख लो यार दोनों को बाहर डिवाइड करके, जैसे मैंने यहाँ पे किया है आप यहाँ पे कर दो एक्स स्टार्टिंग में या बाद में करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहाँ पे दिया हुआ रेट बाई वन इक्वल टू एक्स की पावर एन माइनस वन, वन बाई एक्स होता है वन बाई एक्स वन बाई एक्स दोनों से कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, कितना हो जाएगा एक्स की पावर एन माइनस वन लॉग एक्स एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे कॉमन लिया एक्स, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा चीज आ गया क्या है एक्स इंटू वाई वन, और ये एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन यहाँ पे देखो एन माइनस वन, और ये अगेन ये वाली जो चीज है ये आ रही थी फिर से वाई वन, ठीक है। और जितनी बार इसको डेरिवेटिव करते जाओगे एक वाई का फंक्शन आएगा ही आएगा, तो आप यहाँ पे क्या है आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे या वाई वन वाई टू निकालोगे, तो अगर वाई टू निकालोगे तो मे बी वाई वन के टर्म्स में आएगा, या वाई थ्री निकालोगे तो वाई टू के टर्म्स में आएगा, फिर अगेन वाई टू को वाई वन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और अगेन वाई वन को वाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो लेंथी प्रोसेस है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे स्मार्ट वर्क ये रहेगा आपका कि लेंथी थ्योरम आप इसी इक्वेशन में लगाओ, तो इक्वेशन में लगाने के लिए क्या करते हैं, जैसे आप यू इंटू भी फंक्शन मानते हो सिंगुलर माइनर में, आप इसको मान लो किसी एक को मान लो यू और किसी एक को मान लो जी, तो क्या करते हैं यहाँ पे क्या है वाई वन दिया हुआ है हमको, क्या चाहिए यहाँ पे वाई वन चाहिए, दैट मीन्स क्या है यहाँ पे अगर वन दिया हुआ अगर यन चाहिए तो वन हटाना पड़ेगा तो माइनस वन करना पड़ेगा, और एन आने के लिए आपको यन लेना पड़ेगा, कुल मिला के यन माइनस वन से आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे लेबनीज़ थ्योरम, और लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करते हैं और क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं n माइनस वन टाइम्स, देखते हैं यहाँ पे अगर n माइनस वन तक डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा। अगर हम ये स्टार्ट करते हैं सपोज इसको हमने क्या माना, इसको हमने माना u और इसको हमने क्या मान लिया v, तो अगर हमने इसको u मान लिया तो देखो यहाँ पे क्या है n माइनस वन टाइम्स, वन तो पहले से था यहाँ पे n माइनस वन टाइम्स और डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव एड हो जाएंगे यहाँ पे, तो कितना किया हमने इसको n माइनस वन टाइम डेरिवेटिव किया और इसको एज इट इज रख दिया, ठीक है। उसके बाद एन सी वन लगाया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कह दिए एन सी वन दैट मीन्स यहाँ पे n टाइम्स तो कर नहीं रहे हैं, यहाँ पे n माइनस वन का दैट मीन्स n माइनस वन सी वन, ये जो वैल्यू है ये क्या है n माइनस वन सी वन की वैल्यू है n माइनस वन। और अगेन क्या करते हैं ये जो डेरिवेटिव आया है ये अल्टीमेटली है क्या ये वाई एन है, अब इसका ये डेरिवेटिव कम करते जाते हैं, यहाँ पे वाई एन एक डेरिवेटिव कम क्या हो जाएगा यहाँ पे एन माइनस वन, ठीक है। अब जितने डेरिवेटिव कम करेंगे इतने बड़े वाले फंक्शन का एक डेरिवेटिव हम कर देंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे एक डेरिवेटिव कम किया यहाँ पे तो इसे एक डेरिवेटिव इसका करेंगे तो, ठीक है। ये प्रोसेस तब तक चालू रहेगा जब तक कि अगला जो नेक्स्ट वैल्यू है जीरो ना आ जाए, ठीक है। तो अगला जो वैल्यू आएगा वो जीरो आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं है, क्लियर है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का हो गया यहाँ पे डेरिवेटिव, सिंगुलर माइनर का अगर राइट हैंड साइड का करोगे आप यहाँ पे तो एक्स माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन है, अब आपको पता है एक्स की पावर एन का जो एन डेरिवेटिव होता है फैक्टोरियल होता है, क्योंकि हम यहाँ पे डेरिवेटिव एन माइनस वन टाइम्स तक कर रहे हैं, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा या अगर एन माइनस वन रहेगा यहाँ पे तो एन माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा, तो वही हमने लिख दिया एन माइनस वन फैक्टोरियल। आगे आते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है वाई, यहाँ पे दिया हुआ है एन माइनस वन और यहाँ पे क्या दिया हुआ है वाई, तो एन माइनस वन तो बार बार आएगा यहाँ पे, क्या है ये एन माइनस वन जो है यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट है तो हमने यहाँ पे ऐसे रहने दिया, और ये क्या दिया हुआ है वाई एन माइनस वन, अब ये वाई एन माइनस वन क्योंकि जो यहाँ पे आएगी क्या वाई वाली और एन माइनस वन तक हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं वाई एन माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा वाई एन माइनस वन। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे y n माइनस वन और n माइनस वन इधर भी है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचे हुआ पोर्शन क्या है आपका फैक्टोरियल n माइनस वन, हमने आज भी लिख दिया फैक्टोरियल n माइनस वन, और यहाँ पे x कैंसिल ऑफ y है, x को हम यहाँ पे राइट हैंड साइड पर रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा फैक्टोरियल n माइनस वन डिवाइडेड बाई x, और यही आपको प्रूफ करना था, यहाँ से हो जाएगा आपका हेंस प्रूफ। इस टेस्ट के बाद आपको ऐसे करना है और इक्वेशंस में आप ऐसे ही अप्लाई करोगे लेबनीज़ थ्योरम, ओके। तो वीडियो पॉज करो और सारे चीज़ें ये नोट डाउन करो, ओके। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक्स जरूर कर देना, ओके। थैंक यू सो मच।